एक बार फिर मसीह यीशु ने झील तट पर शिक्षा देना प्रारंभ किया। ऐसी बड़ी भीड़ उनके आसपास इकट्ठी हो गई कि उन्हें झील तट पर लगी एक नाव में जाकर बैठना पड़ा और भीड़ झील तट पर खड़ी रही। वो अनेक विषयों को दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट करने लगे। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बीज बोने वाले ने बीज बोना शुरू किया। इस प्रक्रिया में कुछ बीज मार्ग के किनारे जा गिरे, जिन्हें पक्षियों ने आकर चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वहां मिट्टी काफी न थी। वे जल्द ही अंकुरित हो गए क्योंकि मिट्टी गहरी न थी। सूर्य निकलने पर उसकी गर्मी में वे झुलस गए तथा जड़ न पकड़ने के कारण मुरझा गए। कुछ अन्य बीज कंटीली झाड़ियों में गिरे और कंटीली झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया और उनसे कोई फल उत्पन्न न हुआ। कुछ अन्य बीज अच्छी भूमि पर जा गिरे, अंकुरित हो बड़े हुए तथा उनमें 30 गुणा, 60 गुणा तथा 100 गुणा फसल हुई। मसीह यीशु ने आगे कहा, जिस किसी के सुनने के कान हों, वे सुन लें। जैसे ही शिष्यों और अन्य साथियों ने मसीह यीशु को अकेला पाया, उन्होंने मसीह यीशु से दृष्टांतों के विषय में पूछा। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद सौंपा गया है, किंतु अन्यों को सब कुछ दृष्टांतों के माध्यम से समझाया जाता है, क्योंकि वे देखते तो हैं किंतु उन्हें कुछ दिखता नहीं, वे सुनते तो हैं किंतु कुछ समझ नहीं पाते। ऐसा ना हो वे मेरे पास लौट आते और क्षमा प्राप्त कर लेते। तब मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, क्या ये दृष्टांत तुम्हारी समझ में नहीं आया? तब तुम अन्य सब दृष्टांतों का अर्थ कैसे समझोगे? बीज बोने वाला परमेश्वर के सुसमाचार को बोता है। मार्ग के किनारे की भूमि वे लोग हैं जिनमें सुसमाचार बोया तो जाता है, किंतु जैसे ही वे उसे सुनते हैं, शैतान आकर उस बोए हुए सुसमाचार को उठा ले जाता है। इसी प्रकार पथरीली भूमि वे लोग हैं जिनमें सुसमाचार बोया जाता है और वे इसे तुरंत खुशी से अपना लेते हैं। उनमें स्थायी जड़ें तो होती नहीं, इसलिए जब सुसमाचार के कारण उन पर कष्ट और अत्याचारों का प्रहार होता है, वे शीघ्र ही पीछे हट जाते हैं। अन्य लोग उस भूमि के समान हैं जहां सुसमाचार कांटों के बीच बोया जाता है। वे सुसमाचार को सुनते हैं, संसार की चिंताएं, धन संपत्ति का छलावा तथा अन्य वस्तुओं की लालसाओं का प्रवेश उस सुसमाचार को दबा देता है, जिससे उसका फलदायी होना असंभव हो जाता है। अन्य लोग उस बीज के समान हैं जो उत्तम भूमि में बोया जाता है। वे सुसमाचार सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं तथा उनमें फल आता है 30 गुणा, 60 गुणा तथा 100 गुणा।